देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। टूटती सांसें, जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में अभी भी बनी हुई है। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 440 के पार हो गया। आनंद विहार की बात करते हैं तो AQI लेवल 432 दर्ज हुआ है। इधर आरके पुरम में भी 453 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में 444 AQI है। ITO भी इससे छूता नहीं, जहां AQI लेवल 441 के पार पहुंचा है। यानी कि गंभीर श्रेणी में इस वक्त वायु की गुणवत्ता है, जो न सिर्फ आपके सांसों को नुकसान पहुंचा रही, आंखों में जलन पैदा करी, बल्कि सीधे सीधे फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं है। सर्दी ने अभी ठीक तरीके से दस्तक भी नहीं दी है। देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, 9 से 10 बजे तक की तस्वीर, जहां पर विजिबिलिटी आपको बेहद कम नजर आ रही होगी। सूरज ग्राउंड को टच नहीं कर पा रहा। ये देखिए आप नजारे, जहां पर आपको कहीं भी सूरज की कोई किरण देखने के लिए नहीं मिलेगी। ITO में भी AQI लेवल 441 बना हुआ है। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि लगातार मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा हो गया। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा, और इसके अलावा अब कांग्रेस ने भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही निशाना साधते हुए प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। फिलहाल स्थितियां बद से बदतर बनी हुई हैं। पता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से देखिए आंखों में भी, इवन नोज से एंटर कर रहा है ना, तो चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे कुछ मतलब टीम के मेंबर वो भी बीमार हो गए हैं। तो काफी ज्यादा ये हैगा कि इतनी, और खासकर ये दिल्ली में ही हो रहा है, मैंने तो सुना रेड जोन में भी आ गया है। तो इतना नहीं होना चाहिए था, इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि करे हमारी पब्लिक के लिए और सेफ हो वो। तो मेरे को, और जो हमारे ओल्ड एज, चलो हम तो यंगर्स है, जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सर देखो, एक तो पोल्यूशन की वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि उसके वजह से हमको आंखों में जलन, और जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम भी हो जाएगी इससे, जिसे सांस लेने में। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आज अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होनी है। इससे पहले प्रयागराज में कैबिनेट बैठक हुई थी। तो फिलहाल तस्वीर जरा आप देखिए, ये अयोध्या पहुंचने की तस्वीर है, जहां CM योगी आदित्यनाथ तमाम मंत्रीगणों के साथ पहुंचे हुए हैं। तमाम कैबिनेट के मंत्री जो इस वक्त एयरपोर्ट पर, और देखिए आज अहम बैठक कैबिनेट की अयोध्या में होनी है। और देखिए, बैठक के साथ साथ चूंकि दीपोत्सव भी होगा, और दीपोत्सव को लेकर भी तमाम क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, और तमाम तैयारियां इसे कैबिनेट बैठक को लेकर की गई हैं। तमाम जो बसें दिखा रहे हैं, इन्हीं बसों के जरिए तमाम मंत्री पहुंचेंगे उस स्थल पर जहां पर कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त तमाम मंत्रीगणों की, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं। आज कैबिनेट की अहम बैठक अयोध्या में होने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई थी। ये बस तैयार है, सज गई है, और इसी बसों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि देखिए, हर साल आपको बता दें, जब से योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में है, तभी से दीपोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और इस बार भी दीपोत्सव मनाया जाना है। रामलला के दर्शन भी करेंगे, और दीपोत्सव की तैयारियां क्या कुछ हैं, इसका भी जायजा लिया जाएगा। तो बस में सवार तमाम मंत्री, और कुछ ही देर बाद आपको बता दें ये बस रवानगी भरेगी, और उसके बाद कैबिनेट की बड़ी बैठक। तो अयोध्या पहुंच गए हैं CM योगी आदित्यनाथ। तो आज अयोध्या पहुंचेंगे, और इसी के साथ साथ देखिए कैबिनेट की बड़ी बैठक भी आज होनी है, और बैठक को लेकर तमाम तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। तो रामलला के दर्शन पर कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच
यूपी कैबिनेट की बैठक बेहद खास मानी जाएगी। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त विधान बिहार, जहां पर विधानसभा का आज चौथा सत्र चल रहा है। माननीय सदस्य को जरूर मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो कृषि से संबंधित जो किसान अपना उपजा हुआ अनाज फल सब्जी जो रखता है, सरकार उस पर जरूर विचार करेगी कि जो है उसका कृषि फीडर से जोड़ा जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, उत्तर मुद्रित है। माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय मंत्री कृषि विभाग, माननीय मंत्री प्रेम कुमार, माननीय सदस्य प्रेम कुमार, माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग, उत्तर मुद्रित है। माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार, माननीय मंत्री मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, भाई वीरेंद्र, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, प्रश्न के जवाब में एक मिनट, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सरकारी संपत्ति है, इस संपत्ति को आप तोड़ना चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि इन लोगों का नाम नोट कराइए, इन लोगों का नाम नोट कराइए और नियमानुसार इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त अयोध्या, जहां योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, तमाम मंत्रीगण उनके साथ मौजूद हैं, हम तस्वीरें भी आप तक साझा करें हैं, तो ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। देखिए तमाम जो बड़े चेहरे हैं आपको वो आपको नजर आ रहे होंगे। आपको दिखा रहे हैं उस बस की जहां योगी आदित्यनाथ मौजूद और प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। देखिए बैठक बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि दीपोत्सव है और यह भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार संभव है और इन तमाम कयासों के बीच में अयोध्या में ये आज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। तो अयोध्या में दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी जोर शोर से है। तो फिलहाल यूपी कैबिनेट की बैठक होगी और देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था इस बीच मौजूद हैं तमाम जो मंत्री हैं, वह भी हम आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट के न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक साझा कर रही है। देखिए आपको बता दें ये बैठक इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये कैबिनेट बैठक होगी। हालांकि इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, फिलहाल ये देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में गिरावट जारी है। दिल्ली सरकार ने मंत्रियों के इस बीच बैठक बुलाई, हालांकि बैठक जो थी ये कल भी बुलाई गई थी, सचिवों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि आखिरकार आप तमाम प्रयास क्या कर रहे हैं, उन 5 राज्यों को साफ तौर पर चुनौती भी दी और उनको साफ तौर पर कटघरे में खड़ा किया कि पराली तो आप पहली बार सबसे पहले आप पराली जलाना बंद करिए, इसके अलावा आप कौन सा अथक प्रयास कर रहे हैं जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। लेकिन आपको बता दें कि तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदूषण पर कोई भी नियंत्रण नहीं किया जा सका और इसी को लेकर दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रही है। हालांकि अभी यह जिक्र भी किया जा रहा है कि
कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाएगा। लेकिन ये आप जान लीजिए, ये पहली मर्तबा होगा जब दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराएगी। तो 20 तारीख निर्धारित की गई है, हालांकि इस पर चर्चा होनी है, विचार विमर्श होना है, और आज इसका जो प्रिंट है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखा जाएगा। तो प्रदूषण को लेकर चर्चा हो रही है, बैठकें हो रही हैं, तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम उपाय जस के तस हैं, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो लेवल है वो अप बना हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज की बात करते हैं तो आज सुबह बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, AQI लेवल बेहद खराब। दिल्ली के कई ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर AQI 500 के करीब पहुंच रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि मीटिंग चल रही है। मीटिंग के अनुसार आपको यह भी बता दें कि केजरीवाल सरकार ने कल कहा कि अब हम कृत्रिम बारिश कराएंगे। हालांकि कृत्रिम बारिश पहली बार इसका सहारा लिया जाएगा, लेकिन प्रदूषण ये हर साल की परेशानी बन गई है। 2016 से आपको याद होगा, 2016 में पहली बार ऑड इवन लागू किया गया, इसके बाद 2019 में ऑड इवन के फॉर्मूले को अपनाया गया। इस प्रस्ताव को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि आखिरकार ये किस तरह के प्रयोगों की आप बात करते हैं जिन पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे। तो प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या, लेकिन ये अवैज्ञानिक प्रयोग जो आप कर रहे हैं, क्या इससे लगाम लगेगी? तो कई सवाल खड़े किए हैं, सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए अब हम समझाते हैं कि दिल्ली में इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में प्रदूषण का जो AQI है वो दर्ज किया गया। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखाएंगे और इसके जरिए आप जरा समझेंगे कि दिल्ली में जगह जगह हाल क्या है। देखिए, आनंद विहार, पंजाबी बाग, मोती बाग, ITO और RK पुरम, यहाँ पर 6 तारीख और 5 तारीख का जिक्र कर रहे हैं। 6 तारीख में 457, पंजाबी बाग में 456, इसी तरह से मोती बाग की बात कर दी जाए 409 बना हुआ है। बात हम देखिए इसके आगे तारीखों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तारीख बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल भी अप हो रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिवाली नज़दीक है, हालांकि पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां बहुत बदहाल बनी हुई हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार, पंजाबी बाग, मोती बाग, ITO, RK पुरम। स्थितियां देखिए, 9, 8 और 7, ये नवंबर का जिक्र किया जा रहा है। नवंबर में स्थितियां बदहाल हैं। शुरुआत 6 तारीख से हमने की है, 5 दिन का जिक्र कर रहे हैं, मात्र 5 दिन में देखिए प्रदूषण का लेवल कितना अप है। इसके अलावा देखिए सख्ती कितनी है, कृत्रिम बारिश का प्लान तैयार किया गया है, जो पहली मर्तबा ऐसा होगा कि क्या कृत्रिम बारिश के जरिए क्या पॉल्यूशन पर रोकथाम लग पाएगी। IIT कानपुर जो इसका जिक्र किया गया, IIT कानपुर ने की सहायता से सब कुछ किया जाएगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगी। चलिए इसके बाद बता दें आपको, जो डीजल वाहनों की जो एंट्री है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, यानी दूसरे राज्यों से डीजल के जो वाहन आएंगे उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को WFH ये भी लागू किया गया, सख्ती है, यानी कि आपको तमाम नियमों को अपनाना होगा। और इसी के साथ साथ कचरा यदि आपने जला लिया तो इस पर सख्त पाबंदी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार आपको बता दें, याद होगा, इस बात पे हमेशा सख्ती बरत रहा है। 5 राज्यों को उन्होंने बाकायदा तलब किया, कहा कि प्रदूषण पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। निर्माण कार्य जितने भी चल रहे थे उन तमाम निर्माण कार्यों पे फिलहाल के लिए अभी रोक लगा दी गई है। RML में पॉल्यूशन OPD, यानी कि जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है, तमाम तरह उपाय करे जा रहे हैं, सख्ती बरती जा रही है। GRAP 4 के 4th चरण को लागू कर दिया गया है। देखिए स्मॉग टावर, जो कि इसका जिक्र पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्मॉग टावर को आप स्मारक के तौर पर रख दिया गया, 2 स्मॉग टावर आपने बनाए दिल्ली में, लेकिन इन स्मॉग टावर का आखिरकार क्या करें जब स्मॉग टावर चालू नहीं। और इसी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने इन तमाम स्मॉग टावरों को चालू करवाया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार बैठक के बाद चर्चा, विचार विमर्श, लेकिन जस के तस तमाम बातें।
सरकार ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है और सचिवों की बैठक पहले ही हो चुकी, लेकिन इन बैठकों के बाद भी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है। हालांकि अब कृत्रिम बारिश का जिक्र किया जा रहा है, दिल्ली में प्रदूषण का कहर है, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरह के उपाय आप अपनाएंगे जरूर, लेकिन इन उपाय भी कारगर साबित नहीं हो रहे। तो बैठक में वायु प्रदूषण को लेकर आज फिर से चर्चा होनी है, विचार विमर्श होना है। आगामी दिनों की बात के लगातार प्रदूषण को लेकर चर्चा तो हो रही है, ऑड इवन के फॉर्मूले को लागू कराने की बात भी हो रही है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट से इस बात का जिक्र किया गया दिल्ली सरकार ने, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अवैज्ञानिक उपाय कर रहे हैं, इन उपायों से क्या कुछ होगा जरा जानकारी दीजिए। क्योंकि पराली को खाद में तब्दील करने का फॉर्मूला भी सुझाया गया था, उस फॉर्मूले का क्या हुआ, उस फॉर्मूले से क्या फायदा हुआ। इसके अलावा अब कृत्रिम बारिश, ये तीसरा उपाय की बात कही गई है, तो क्या कृत्रिम बारिश कराई जाने से प्रदूषण पर नियंत्रण होगा? चलिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे सबसे पहले। तो तस्वीर देखिए आप, जहां पर कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर बाद शुरू, लेकिन उससे पहले दर्शन करेंगे रामलला के। सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद। तो फिलहाल हम आपको बता दें, रामलला से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अयोध्या में कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होने चाहिए। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है हनुमानगढ़ी। तो फिलहाल देखिए ये तस्वीर जरा देखिए, तमाम जो संत गण हैं उनके साथ मौजूद हैं। आज कैबिनेट की खास मीटिंग होनी है, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वह हनुमानगढ़ी की हैं, जहां पहुंचे हुए हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक, न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, तमाम संत उनके साथ मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक को भी आप देख पा रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद। देखिए पूजा पाठ में हमेशा से ही सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा आगे रहे हैं, और आज इस दिन की शुरुआत भी आपको बता दें कि अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शन पूजन किया जा रहा है। देखिए इसके बाद आपको बता दें कि दर्शन पूजन के बाद लगभग 11 बजे राम कथा पार्क में पहुंचेंगे, इसके बाद मंत्रिमंडल के सहयोग के साथ ही तो फिलहाल हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन। और देखिए उससे कुछ वक्त पहले की तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं, यहां पर पहुंचे इससे पहले की तस्वीर, जब वह अपने विमान से उतरे और इसी के साथ साथ दर्शन पूजन के लिए आगे बढ़े, उस बस में बैठे। ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद। न्यूज इंडिया आपको तमाम तस्वीरों से रूबरू करा रहा है, कुछ वक्त पहले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए वो तस्वीरें जहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ, इसके बाद कैबिनेट की बैठक होनी है। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन कर रहे हैं, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तमाम मंत्रीगण उनके साथ मौजूद हैं। दर्शन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 12 बजे की हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में मंत्रिमंडल परिषद की बैठक भी में शिरकत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आज का कार्यक्रम है, लगभग 4 घंटे वह अयोध्या में मौजूद रहेंगे। हालांकि इसके अलावा आपको बता दें कि दीपोत्सव की तमाम जो तैयारियां क्या कुछ हैं, उन तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। तो प्रदेश के सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं
उन तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ वह पहुंचे अयोध्या। हम तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। तो यूपी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा भी कहीं ना कहीं जोर पकड़ रही है। हम फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं, न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब तक साझा कर रही है। तो इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आज कैबिनेट की बैठक का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण से कहा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के विकास के लिए, योजनाओं को गति देने के लिए तमाम जो नई योजनाएं हैं उनकी शुरुआत की जानी है। लोकहित के लिए, जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आज निर्णय लेने का काम किया जाएगा। तो हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम मंत्रियों के साथ मौजूद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। देखना है ना?